दोस्तों, भरोसा करना आसान होता है और एक बार जब भरोसा टूट जाए तो वापस उस भरोसे पर उतरना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ होते जा रहा है दरभंगा एयरपोर्ट के साथ। जिस भरोसे के साथ दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई थी और जिस भरोसे के साथ लोगों को विश्वास था कि कभी भी इमरजेंसी में दरभंगा एयरपोर्ट उसका साथ देगा, लेकिन अब जिस तरीके से एयरपोर्ट पिछले एक महीने से रवैया है, उस हिसाब से इसका भरोसा टूटता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही कि लगातार विमान के लेट होने से, कैंसिल होने से और कभी-कभी 4-5 घंटा इंतज़ार कराने से लोगों में नाराज़गी हो गई है। जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत होने की खबर से लोग खुश थे कि अब उनके शहर तक जाने में उन्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि लोग वापस खुश हैं, क्योंकि उन्हें मजबूरीवश वापस फिर से पटना से फ्लाइट पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले जिस तरीके से फ्लाइट पटना से हम लोग पकड़ते थे, अब वापस से फ्लाइट पटना से ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट से जो फ्लाइट उड़ती है उनका भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी फ्लाइट 4-5 घंटे लेट हो जाती है या तो कभी कैंसिल हो जाती है। ऐसे में लोग वापस पटना एयरपोर्ट की तरफ आने के लिए मजबूर हैं और लोगों में नाराज़गी है। लोगों ने सोचा था कि जैसे जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे इसके विकास के काम और तेज़ी से होंगे। जो फ्लाइट कम फ्लाइट उड़ती थी, जो कम शहरों के लिए उड़ती थी, उसे भी बढ़ाया जाएगा और देश के अन्य शहरों तक के लिए भी फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। लेकिन फिलहाल जिन शहरों के लिए, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर और भी शहर, जैसे कि उन शहरों के लिए भी अगर फ्लाइट की सुविधा शुरुआत है, लेकिन वह भी समय पर नहीं आ रहा, 4-5 घंटे लेट हो रहा, कैंसिल हो रहा, जिससे लोगों में नाराज़गी है और लोग वापस पटना एयरपोर्ट तक जाने के लिए मजबूर है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट की छवि ख़राब हो रही है। जिस तरीके से लोग मधुबनी, सीतामढ़ी या अन्य जिला से आकर दरभंगा से सफ़र करते हैं, उनके लिए फिर से मुश्किल भरा, जाम भरा समस्या उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उन्हें एक बार वापस पटना एयरपोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट की पहले के मुकाबले तस्वीरें बदल रही है, लेकिन ज़रूरत है अभी भी विचार करने का। केंद्र सरकार को ज़रूरत है इस पर विचार करने का, क्योंकि जिस तरीके से उड़ान योजना के तहत यह एयरपोर्ट शुरुआत किया गया था और जिस तरीके से इस एयरपोर्ट ने बिजनेस करके दिखाया है और लोगों को, कई संख्या में लोगों को यात्रा भी कराया है, और यह एक सफल एयरपोर्ट है, इसे यूं ही भरोसा तोड़ना सही नहीं होगा। बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, गोपाल जी ठाकुर को ध्यान देना चाहिए, ताकि इस पर विचार विमर्श करके इसे सही किया जा सके और लोगों का भरोसा वापस जीता जा सके।